हेलो दोस्तों, हम एक और मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आ गए हैं। ये कहानी है कारगिल युद्ध के उस वीर जवान की जिन्हें जीते जी परमवीर चक्र दिया गया। ये एक ऐसे सोल्जर हैं जिन्होंने अकेले ही पूरा पासा पलट दिया। आज हम बात करने वाले हैं राइफलमैन संजय कुमार के बारे में। उनका जन्म 3 मार्च 1976 को बकाई गाँव हिमाचल प्रदेश में हुआ था। उनकी शिक्षा कलोल हाई स्कूल में हुई। उनके चाचा आर्मी में थे और वो भी आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे। अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो दिल्ली में टैक्सी सीखने गए। टैक्सी चलाते चलाते वो आर्मी रिक्रूटमेंट में कोशिश करते थे। जनवरी 1996 में उन्हें आर्मी में सेलेक्ट कर लिया गया और उन्हें 13JA के राइफल्स में भेजा गया। उनके रेजिमेंट सोपोर और कश्मीर में अपना काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन करने के बाद सहारनपुर जा रहे थे कि तभी कारगिल का युद्ध छिड़ गया। उनके यूनिट को द्रास और मुश्कोव वैली में लड़ाई के लिए भेजा गया। मुश्कोव वैली में जाने के बाद उनकी यूनिट वैली से जाकर पहाड़ के ऊपर का प्लेटू, जिसका नाम एरिया फ्लैट टॉप पॉइंट 4875 है, वहाँ के पाकिस्तानी सैनिकों को मार भगाने के लिए जा रहे थे। वहाँ दूसरी ओर मेजर गुरप्रीत सिंह के 60 जवानों की चार्ली कंपनी पॉइंट 4875 में दुश्मनों को मारने के लिए 3 जुलाई 1999 की रात को वही पहाड़, जो कि 70 डिग्री इंक्लाइन है, चढ़ने लगी। उनका प्लान था कि 4 जुलाई 1999 के सुबह के 3 बजे ऊपर पहुंच जाए ताकि रात के अंधेरे में कोई उन्हें देख ना पाए। उनको ऊपर पहुंचते समय ज़्यादा कैजुअलिटीज ना हो और पाकिस्तानी सैनिक उन पर हमला ना कर सके, इसके लिए आर्टिलरी गन्स मुश्कोव वैली में डिप्लॉय किया गया, जो पॉइंट 4875 में बैठे पाकिस्तानी सैनिकों के ऊपर रॉकेट फेंक रहे थे। ये देखकर पाकिस्तानी सैनिक भी समझ गए कि हिंदुस्तान के सैनिक पहाड़ चढ़ रहे हैं, इसके लिए उन्होंने मशीन गन से फायर करना शुरू कर दिया। तभी पूरी चार्ली कंपनी की टीम रुक गए। फिर वे छिपकर ऊपर जाने के लिए एक दूसरा रास्ता देखने लगे। उन्होंने देखा कि वहाँ एक सीधा ढलान है। तब उन्होंने एक दूसरे की मदद करते हुए ऊपर जाने का निर्णय लिया। वो लोग ऊपर पहुँचते पहुँचते सुबह हो गई। अब भी वो 250 मीटर पॉइंट 4875 से नीचे थे। वहाँ पहुंचकर उन सब ने देखा कि राइफलमैन संजय कुमार की टीम 13JA के राइफल्स पहले से ही उस पहाड़ में है और वो भी सिर्फ 150 मीटर नीचे पॉइंट 4875 से। तो चार्ली कंपनी ने सोचा कि 13JA के राइफल्स को ऊपर जाने के लिए कवरिंग फायर की ज़रूरत है और वो उनको कवरिंग फायर पर दे ही रहे थे कि तभी अचानक पिम्पल 1 और पिम्पल 2 से पाकिस्तानी सैनिकों ने उन पर फायर शुरू कर दिया। और दूसरी ओर 17 जाट रेजिमेंट, जो पिंपल 1 और पिंपल 2 में अटैक करने वाले थे, उन पर पॉइंट 4875 में से बैठे पाकिस्तानी सैनिकों ने क्रॉस फायर कर दिया, जिसके वजह से संजय कुमार की 13JA के राइफल्स को कोई मदद नहीं मिली। अब 13JA के राइफल के पास एक ही रास्ता था कि जब आर्टिलरी फायर हो, जो चार्ली टीम की मदद के लिए पहले से ही हो रही थी, उसी समय ऊपर उठने की कोशिश करें, क्योंकि आर्टिलरी फायर होते ही पाकिस्तानी सैनिक कुछ समय के लिए फायर करना बंद कर देते हैं। राइफलमैन संजय कुमार की और उनके साथी राइफलमैन नजिंदर सिंह उसी समय का फ़ायदा उठाते हुए ऊपर तक जा पहुँचे। वो उन मशीन गनों के गन पॉइंट के ठीक नीचे थे। वो अगर चाहते तो उन मशीन गनों को अपने हाथों से छू भी पाते थे। तभी राइफलमैन संजय कुमार को एक आइडिया आया। 30 घंटे से बिना खाए बिना सोए चढ़ाई करने के बाद संजय कुमार अपने दोनों हथेलियों पर फर्स्ट एड बॉक्स से बैंडेज निकालकर बांधने लगे। उनके दोनों हाथों में बैंडेज को लपेटने के बाद उन्होंने राइफलमैन नजिंदर सिंह को इशारा किया और राइफलमैन नजिंदर ने एक ग्रेनेड ऊपर पाकिस्तानी सोल्जर के संगार में फेंक दिया। ग्रेनेड मशीन गनर्स के पीछे गिरी और कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए और गनर्स भी पीछे देखने लगे। तभी संजय कुमार ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए मशीन गनों को अपने हाथों से पकड़कर अपनी ओर खींचकर बाहर निकाल लिया और अपने AK-47 से पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया। राइफलमैन नजिंदर सिंह ने देखा कि संजय कुमार का हाथों का बैंडेज पूरी तरह से जल चुका है मशीन गनों के गर्म पाइप को पकड़ने की वजह से। 3 पाकिस्तानी सोल्जर्स डर के मारे पैरालाइज्ड हो गए थे। संजय कुमार ने उन्हें गोलियों से भून दिया। फिर उन्होंने देखा कि एक पाकिस्तानी सोल्जर बंदूक उठाने की कोशिश कर रहा है। तब उन्होंने उसे इतनी गोली मारी कि उसके खून के छींटे उड़ने लगे। इस संगार में कब्जा करने के बाद जब संजय और उनकी रेजिमेंट दूसरे संगार के पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारने गए, तब उन्होंने देखा कि वो सब ऊपर पहाड़ में चढ़ गए और वहाँ से फायरिंग करने लगे। संजय कुमार की आधी सेना वहीं दुश्मनों की गोलियों का शिकार हो गए। संजय कुमार को 5 गोलियाँ लगी
पर वो अपने कुछ साथियों के साथ पत्थरों के पीछे छुप गए और मरने का नाटक किया। 15 मिनट तक फायरिंग करने के बाद जब पाकिस्तानी सैनिकों को लगा कि सब मर गए, तब वो तीसरे संगार की ओर भागने लगे जहाँ और भी पाकिस्तानी हैं और वहाँ उन्हें सुरक्षा मिलेगी। तभी संजय कुमार पत्थरों के पीछे से बाहर निकले और पाकिस्तानियों के मशीन गन उठाकर उन्हीं के ऊपर चला दिया और सबको वहीं ढेर कर दिया। और उसके बाद संजय कुमार की टीम वहीं पर रुक गई। शाम के 5:30 बजे यूनिट डॉक्टर संजय कुमार की टीम के पास आए और सबको पेन किलर और फर्स्ट एड दिया। घायल सैनिकों को दूसरे सैनिकों ने नीचे वैली में ले जाने के लिए मदद किया क्योंकि वहाँ स्ट्रेचर नहीं ले जा सकते थे। राइफलमैन संजय कुमार को नीचे पहुँचते पहुँचते सुबह के 9:30 बज गए। वहाँ से एम्बुलेंस उन्हें खुमरी के फील्ड हॉस्पिटल में ले गए। खुशनसीबी से उनके शरीर में लगे 5 बुलेट्स उनकी हड्डियों को नहीं छू पाई। डॉक्टर्स भी हैरान थे कि इतने दर्द और खून बहने के बाद भी वो चल रहे थे। उनके शरीर की गोलियां निकालने के बाद उन्हें श्रीनगर में एक मिलिट्री हॉस्पिटल में भेज दिया गया। वहाँ की नर्सेस भी सोच रही थी कि इतनी थकान और दर्द के बाद भी इनकी आँख क्यों नहीं लग रही, वो क्यों नहीं सो रहे, पर किसी को क्या मालूम कि उनके साथ क्या बीती। फिर कई सारी पेन किलर्स और मेडिसिन खाने के बाद उनकी आँखें बंद हुई और कितने दिनों के बाद वो चैन से सोए। इसके बाद उनकी इस बहादुरी के लिए उन्हें द हाईएस्ट गैलेंटरी अवार्ड परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज राइफलमैन संजय कुमार भारतीय सेना के सूबेदार पद पर है। उनका ये परमवीर चक्र, जिसे बड़े से बड़े ऑफिसर भी सलाम करते हैं, वो आज भी उनके यूनिफॉर्म की शान बढ़ाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कुछ सजेशन देना हो तो नीचे कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो आपको पहुंचाते रहें। धन्यवाद।